भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। झाबुआ जिले में सोयाबीन के भाव बढ़ाने जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बुधवार को पेटलाबाद में जल सत्याग्रह शुरू हो चुका है। इस सत्याग्रह में किसानों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। किसानों की मांग है कि कलेक्टर मौके पर पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री से सोयाबीन के भाव को लेकर बात करवा। किसानों के अनुसार यह सत्याग्रह अनिश्चितकालीन चलेगा। किसानों के द्वारा झाबुआ के ग्राम करडावद के समीप रामगढ़ मार्ग पर स्थित लाड़की नदी में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया गया है, जहां भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष महेंद्र हामड़ के नेतृत्व में जल सत्याग्रह किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार के द्वारा किसानों की अनदेखी की जा रही है, ऐसे में हमारे द्वारा सोयाबीन के भाव बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जल सत्याग्रह किया जा रहा है और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह जारी रहेगा। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महेंद्र हामड़ ने बताया कि किसानों द्वारा पूर्व में भी पेटलावद क्षेत्र में जंगी प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिसमें सोयाबीन के भाव को बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन शासन ने अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जल सत्याग्रह को देखते हुए मौके पर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। सोयाबीन 6000 पार हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है झाबुआ जिला। इसमें क्या है कि अभी तक मतलब फसल बीमा मिलता नहीं है यहाँ पे, और कोई भी प्रशासनिक मतलब मंत्री वगैरह सुनने को तैयार नहीं है हमारी। और हम चाहते हैं कि 6000 पार जब तक सोयाबीन नहीं होंगे तब तक हम पानी में ही बैठे रहेंगे, बाहर निकलने वाले नहीं है। 3 तारीख को ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, उसमें हमने अल्टीमेटम दिया था 15 दिन का। 15 दिन पूरे हो गए, प्रशासन की ओर से हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला। हम प्रशासन से मांग करते हैं कलेक्टर आए और हमें सेटअप लगा के और मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट बात कराए। किसी भी कमरे में, बंद कमरे में बात करने को तैयार नहीं है। हमारे किसान हैं, इनके सामने ही बात करेंगे, जो भी बात करेंगे। अगर यहाँ से भी हमको आश्वासन नहीं मिलता तो हम अनिश्चितकालीन बैठेंगे। महिला और बच्चे वो अपने आप जुड़ रहे हैं, इनकी भी इच्छा है कि इनके भी माता पिता के सोयाबीन बढ़ना चाहिए। उनके माताएं का इच्छा ये है कि हमारे बालकों के जो आय ख़त्म हुई है, आय का स्रोत, उसका बराबर मूल्य मिले। हमें 3 साल से सोयाबीन के रेट नहीं मिल रहे हैं, सोयाबीन के रेट से परेशान है, इसलिए हम आज सोयाबीन की मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। सोयाबीन 6000 पार होना चाहिए। 3-4 वर्षों से हम सोयाबीन के रेट के लेकर परेशान हैं। 3000-3500 रुपये बिक रहे हैं, इससे अगर घर चलाना मुश्किल हो रहा है हमारा, इसलिए आज जल सत्याग्रह पे बैठे हैं। अगर आज हमारे सोयाबीन की मांग पूरी नहीं होती है, जब तक हमारी बात मुख्यमंत्री जी से सीधे नहीं होती है, तब तक अनिश्चितकालीन के लिए ये आंदोलन चलता रहेगा। आपके गाँव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।